स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज की थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो कुछ इस तरह से है। फाइव ईयर सेंस द एज ऑफ जैकब, फाइव ईयर बाद एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। फाइव ईयर के बाद जैकब की एज उसके सन की एज की थ्री टाइम हो जाएगी, थ्री टाइम दैट ऑफ हिज सन। एंड फाइव ईयर्स एगो, फाइव ईयर पहले जैकब्स एज वाज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। और फाइव ईयर एगो उसकी एज थी अपने सन की एज की सेवन टाइम। तो हमें फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ जैकब एंड हिज सन। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड दैट ऑफ हिज सन बी वाई। सन की प्रेजेंट एज हमने वाई कंसीडर कर ली और जैकब की एज हमने एक्स कंसीडर कर ली। तो अब लिखते हैं यहाँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी दी गई है कि फाइव ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो फाइव ईयर आफ्टर जैकब की एज हो जाएगी एक्स प्लस फाइव, और फाइव ईयर आफ्टर सन की एज हो जाएगी वाई प्लस फाइव। और कंडीशन ये बताई है कि ये थ्री टाइम हो जाएगी, जैकब की एज सन की एज की थ्री टाइम। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से होगा एक्स प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस फाइव, यानी कि ये है उसके सन की एज, ये जैकब की एज, जैकब की एज सन की एज की थ्री टाइम होगी। तो एक्सप्रेशन इस तरह से लिखेंगे, अब इसको थोड़ा रिफॉर्म कर लेते हैं, एक्स प्लस फाइव इक्वल टू थ्री वाई प्लस थ्री का फाइव में मल्टीप्लिकेशन फिफ्टीन, थ्री वाई को लेफ्ट में लाएंगे एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू फिफ्टीन, फाइव राइट में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन। ये आ गया इक्वेशन नंबर वन। अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन हमारी है फाइव ईयर एगो जैकब की एज होगी एक्स माइनस फाइव, और फाइव ईयर एगो सन की एज होगी वाई माइनस फाइव। और दोनों की कंडीशन बताई है कि जैकब की एज सेवन टाइम्स होगी सन की एज की। तो ये हो गया सेवन टाइम्स इक्वल टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू सेवन बाई माइनस फाइव। एक्स है जैकब की प्रेजेंट एज, तो फाइव ईयर है वो हो जाएगी एक्स माइनस फाइव, और बाई है सन की प्रेजेंट एज, फाइव ईयर है वो हो जाएगी बाई माइनस फाइव। तो इसको भी थोड़ा सा रिफॉर्म करते हैं, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू सेवन बाई माइनस थर्टी फाइव, सेवन का मल्टीप्लिकेशन हो गया ब्रैकेट के अंदर, सेवन बाई को लेफ्ट में लाएंगे तो एक्स माइनस सेवन बाई इक्वल टू माइनस थर्टी फाइव और प्लस फाइव, तो एक्स माइनस सेवन बाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का थर्टी। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर टू, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर वन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मान लो हम फर्स्ट से किए दे रहे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री वाई प्लस टेन, थ्री वाई को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू,
इक्वेशन टू है x माइनस सेवन वाई इक्वल टू एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस थर्टी, एक्स की जगह पुट करेंगे थ्री वाई प्लस टेन माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस थर्टी। तो देखते हैं थ्री वाई में से सेवन वाई जाएगा तो माइनस का फोर वाई बचेगा, माइनस फोर वाई इक्वल टू और माइनस थर्टी और टेन राइट में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस फोर्टी या वाई इक्वल टू माइनस कैंसिल हो गए फोर टेन या फोर्टी, तो वाई इक्वल टू टेन और एक्स इक्वल टू हमारा आया अभी फाइंड नहीं किया, तो वाई की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, वाई की वैल्यू हम पुट किए देते हैं इक्वेशन वन में, पुटिंग वाई इक्वल टू टेन इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है हमारी एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू टेन, तो एक्स इक्वल टू टेन प्लस थ्री वाई इक्वल टू टेन प्लस थ्री इंटू टेन, तो ये हो गई थर्टी प्लस टेन यानी कि ये फोर्टी, तो एक्स हमारी आ गई फोर्टी, तो एक्स की वैल्यू फोर्टी आ गई, वाई की वैल्यू टेन है, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू एक्स मीन्स फोर्टी ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू टेन ईयर्स। अब आंसर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं आपका कि आंसर क्या कहता है, ये बताया है कि फाइव ईयर हेंस, फाइव ईयर आफ्टर सन की एज हो जाएगी 15 और फादर की एज हो जाएगी 45 और 15 से 45 को डिवाइड करते हैं तो थ्री टाइम जाता है, तो ये एज हो गई थ्री टाइम। अब अगर हम फाइव ईयर एगो करते हैं तो सन की एज होगी फाइव ईयर और फादर की एज होगी 35 ईयर, और जब इसे फाइव से 35 को डिवाइड करेंगे तो सेवन टाइम जाएगा, तो आंसर आपका राइट होगा कि यहाँ का है सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।